नमस्कार, मैं रीनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मनावर के ग्राम टोकी में ग्रामीणों ने सभी रास्तों पर चक्का जाम किया। आपको बता दें कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के ओवरलोड वाहनों से रोड पर गड्ढे अधिक होने से आए दिन हो रहे हादसों को लेकर चक्का जाम किया गया। एसडीएम एसडीओपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की समझाइश के बाद 2 घंटे बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला। मनावर के ग्राम टोकी का मामला, 2 घंटे तक चक्का जाम से वाहन चालक परेशान होते नजर आए। चक्का जाम की सूचना मिलते ही भारी संख्या में मनावर का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों ने अधिकारियों से हाथ जोड़कर सड़क का निर्माण कार्य चालू करवाने की बात कही। लेकर प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया गांव वालों को? हमने गांव वालों के आसपास किया है कि बारिश के पहले जो इतने गड्ढे हैं, इस गड्ढे को हम लोग ठीक करा लेंगे। और चूंकि ये अब पीडब्ल्यूडी से एमपीआरडीसी को गई है, उनके माध्यम से रोड बन रहा है और उनके द्वारा भी कहा गया है कि हम इस उसको बारिश के पूर्व जो गड्ढे हैं उसको हम सुनिश्चित करा लेंगे ताकि बारिश के उसमें किसी को दिक्कत ना हो। आपका नाम? शंकर श्रीवास। कौन से गाँव? टोकी। क्या परेशानियाँ जो चक्का जाम किया है? ये अल्ट्राटेक कंपनी की वजह से 8 टन के रोड पे 80 टन से 100 टन के वाहन चलने की वजह से रोड की हालत पूरी तरह जर्जर हो गई। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। उसके बाद भी अभी क्या है कि बच्चों के स्कूल भी चालू होने वाली है, कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना होने के बाद में कुछ करें, उससे मतलब क्या निकलता है? कोई जिम्मेदार अधिकारी को अवगत करवाया था कि नहीं करवाया? एसडीएम साहब को अवगत करवा दिया है, बस यही आपकी बात। एसडीओपी साहब को भी अवगत, हमारे सांसद जी को भी अवगत कराया हमने, उनके ही सानिध्य में हम ये चक्का जाम कर रहे हैं। जहाँ लग आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप? हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन बड़ा आंदोलन करेंगे।